तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कच्चे आलू और सूजी से बनने वाला एक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी क्रिस्पी चटपटा नाश्ता। इसको हमने कच्चे आलू और सूजी से बनाया है, बहुत ही कम तेल में बनाकर तैयार किया है, इसीलिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। इसको आप कभी भी बनाकर तैयार कर सकती हैं। बनाने में बेहद आसान है। इसको आप ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर कभी भी बनाकर खा सकते हैं। तो बने रहे वीडियो में। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ थम्स अप दें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर। सीमा बेस्ट जायका विस्तीम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं अपनी आज की इस रेसिपी। तो दोस्तों, नाश्ता बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक मिक्सी का जार लेना है और इसके अंदर हम डालेंगे 1 कप भरकर सूजी। तो सूजी यहाँ पर आप मोटी या बारीक कोई भी ले सकती हैं। यहाँ पर मैंने मेजरिंग कप का यूज किया है सूजी को नापने के लिए। आप कोई कप या कटोरी सेट कर लें। इसी के साथ में डालेंगे 2 चम्मच भरकर मैदा। इससे बाइंडिंग बहुत अच्छी आ जाती है इस नाश्ते के अंदर। आप चाहें तो गेहूं का आटा भी यूज कर सकती हैं। अब इसका ढक्कन लगाएंगे और इसको बारीक पीस कर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, सूजी को हमने अच्छे से पीस लिया है। अब एक खाली बाउल लेंगे और ये सारी सूजी बाउल के अंदर निकाल देंगे। वापिस से हमने उसी जार को ले लिया है और ये हमने लिया है एक बड़ा कच्चा आलू, जिसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था। इसको हम डाल देंगे जार के अंदर। इसी के साथ में डालेंगे 2 हरी मिर्चें, जिसको हमने काट लिया है। ये लिया है हमने 1 इंच अदरक का टुकड़ा, काट कर इसको भी डाल देंगे। 1/2 टीस्पून के करीब डालेंगे नमक। अब इसका ढक्कन लगाएंगे और इसको अच्छे से पीस लेंगे। इसमें हमें पानी नहीं डालना है। बिना पानी डाले हमने आलू को अच्छे से पीस लिया है। अब ये आलू वाला सारा पेस्ट हम डाल देंगे सूजी वाले बाउल के अंदर। इसी के साथ में डालेंगे 1/2 कप दही। खट्टा दही हो तो 1/2 कप यूज करें, अगर फ्रेश दही हो तो 1 कप तक आप यूज कर सकती हैं। उसी कप से 1/2 कप डाल देंगे पानी। अच्छे से इसको मिला लेंगे स्पून से, बिल्कुल लम्स खत्म होने तक हमें इसको मिलाना है। दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। मेरे चैनल पर नए आए हों तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से। और ये देखिए, 2-3 मिनट हमने इसको अच्छे से मिला लिया है, बिल्कुल लम्स खत्म होने तक। और हमारा इस तरीके का एक बैटर बनकर तैयार हुआ है। अभी हम इसको रेस्ट देंगे 10 मिनट के लिए, क्योंकि सूजी है, सूजी फूलेगी, तो इसको 10 मिनट के लिए ढककर छोड़ देते हैं। ये देखिए, 10 मिनट रखने के बाद जो हमारा बैटर है वो थोड़ा गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करकर पानी डालेंगे और इसका हमें ऐसा बैटर बनाकर तैयार करना है जैसा कि डोसे का बैटर होता है। इसमें पानी डालेंगे और इसको अच्छे से मिलाते जाएंगे। ये देखिए, लगभग 1/2 कप हमने इसमें पानी डाल दिया है और हमारा इस तरीके का ये बैटर बनकर तैयार हो गया है। 1/2 टीस्पून के करीब इसमें डालेंगे हम खाने वाला सोडा, इसको मीठा सोडा भी बोलते हैं। 2 चम्मच पानी डालेंगे, इसको अच्छे से मिला देंगे। और ये देखिए, बहुत ही जल्दी हमारा डोसे का बैटर बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए, तो तवे को हमने बहुत अच्छे से गर्म कर लिया है। इस पर हम डालेंगे थोड़ा सा तेल और इसको अच्छे से फैला देंगे। अभी क्योंकि तवा बहुत ज़्यादा गर्म है तो इस पर हम डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसको कपड़े से पोंछ देंगे। गैस की फ्लेम को बिल्कुल मीडियम कर देंगे और चमचे से बैटर को फैला देंगे। फैलाने के बाद मीडियम फ्लेम पर इसको धीरे धीरे सिकने देंगे। जैसे ही ऊपर से ड्राई हो जाएगा, इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। ये देखिए, ऊपर से ये थोड़ा ड्राई हो चुका है, इसमें बहुत अच्छी जालियाँ पड़ चुकी हैं। अब हम इसके ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे इस तरीके से। ज़्यादा नहीं लगाएंगे, बस थोड़ा थोड़ा ही हमें इस पर ऑयल लगा देना है। अब हम इसको सिकने देंगे जब तक ये ऊपर से थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तवा बड़ा है हमारा, इसलिए थोड़ा सा इसको घुमा घुमा कर सेक लेंगे। और ये देखिए, बहुत ही अच्छा कलर आ चुका है। जो हमारा नाश्ता है वो सिक कर तैयार है। अब हम इसको निकाल लेंगे, बहुत ही सावधानी से निकालेंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। तो इसी तरीके से हम बाकी को भी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो दोस्तों, ये लीजिए, फटाफट से तैयार है हमारा बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही ज़्यादा चटपटा कच्चे आलू और सूजी का चटपटा नाश्ता। आप इसको अपनी मनपसंद किसी भी चटनी के साथ, सॉस के साथ सर्व कर सकती हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। बहुत ही कम तेल से बना है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। तो इस तरीके से आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे थम्स अप दें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।
तो मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।